गाय यही है वो खूनी दरिंदा, इसने इस भाई का यार किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जी बड़ा एक खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज सारे जो हमारे एक स्टाफ है, हमारे कंपनी के सारे मेंबर्स जो हैं वो जा रहे हैं एक ठीक है, और हम जा कहाँ रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मेरा ख्याल आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो अभी सारी चीज़ें तैयारियाँ चल रही हैं, ठीक है। ये मतलब ये तो आधे लोग हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम इस कोस्टर में जा रहे हैं, देन सारी हमारी टीम कुछ वहाँ है, कुछ यहाँ है, देन कुछ हैं, और सारे जो है अपने ब्लॉगिंग में लगे हुए हैं, और हम भी अभी बस निकलते हैं। तैयारी हमारी पूरी है, 7 बज रहे हैं और आज सैटरडे का दिन है, और 12 अगस्त है, और इंशाल्लाह जो हमारी सनराइज होगा उधर वो 13 अगस्त। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बैरिया से निकलते वक्त हमें हो गई थी मगरिब, तो हमने सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की और हम निकल गए अपने सफर पर। सफर की दुआ पढ़ लो भाईजान सारे। मिस्टर रांगड़ कैसे हैं आप? मोरो 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 जादू 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 सखार 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 कपड़े क्यों चल रहे हैं यार? काफी सारी मस्ती मजाक करने के बाद हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है आपको। टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरी बर्थडे पे सारे आए। कैसे लगा आपको प्रोग्राम? बेहतरीन, वीआईपी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी। वन फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। आउटस्टैंडिंग, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि संबंध तो है ये, बट पूल का जो मजा आ रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा है यार। कर रहे हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। प्रोग्राम यहाँ पर तो मजा ही आया, लेकिन जो दोस्तों के साथ सफर में मजा आता है उस जैसा मजा कहीं भी आपको नहीं। आप तो सो गए थे बीच में। ये सही था, मैं सोया नहीं था, मैं बेहोश हुआ था, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने मुझे भी जाग रहे हैं, कुछ लोग सोए पड़े हैं अभी तक भी, क्योंकि सारी रात हमने
ये कुछ लोग इधर सोए पड़े हुए हैं, कुछ लोग इधर जिसको सोना था बस सो गया, पता ही नहीं चला। ये फुल फार्म हाउस है, ये एक रूम इधर, एक रूम ऊपर और एक रूम नीचे, तीन रूम है। स्विमिंग पूल, ये वॉशरूम, ये दिशा सोया पड़ा होगा, ये। अच्छा जी, ये है अभी हमारा खाने का निज़ाम लगा हुआ है। देन बैक साइड से ये अगर व्यू हो तो क्या ही बात है। ये जी रात को जो है ना मामलात हो गए। ये पूल जो है बलि मांग रही थी तो इसके खून से काम चलाना पड़ा। जब डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, डॉक्टर ने कीड़ा मार दवाई दे दिया। कीड़ा मार वो क्यों तो डाल रहे थे ना। ओए टाइम से ले रहे थे भाई। ये जो दवाई दी है ना वो तो ना दूसरे ना पानी से होश से ले लिए। ये अमरूद का कीड़ा जेल से भागा हुआ कैदी अब तो खा रहा है। बाकी सब तो ठीक है। ये ना तीसरी बार मेरी चप्पल गायब यहाँ से हो रही है। मेरी जान, मेरी चप्पल तो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार इवेंट होना चाहिए था, लेकिन आज सुबह सुबह एक मिस मैनेजमेंट हुई है। और मिस मैनेजमेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की जाती है, बराए मेहरबानी सूरज को रिक्वेस्ट करें कि वो बाहर आए, क्योंकि अभी तक सूरज आ नहीं रहा है। लड़के काले चश्मे पहन के, काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं और बड़ा इशू हो रहा है। इस इशू के हवाले से हमारे साथ असद अयाज अंसारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बराए मेहरबानी इनके रिव्यूज भी ले जाएँ। काम है कि नहीं है सर? जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वीकेंड है तो फ्राइडे सैटरडे संडे, डेढ़ साल हो गया है काम नहीं है। और घर में कितने मेंबर हैं? 16 बहनों का अकेला भाई कमाने वाला, काम है ही नहीं। खाना खाया नहीं खाया? 4 दिन से कुछ नहीं खाया। चले जी, फाइनली चप्पल तो मिल गई है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे समंदर की तरफ। चांडे वेयर आर यू गोइंग? चले जी अभी चले। इस व्यू पर आ चुके हैं और हमारे साथ अजीम भाई है। अजीम भाई क्या फरमाएंगे आप इस बारे में भाईजान? इस व्यू के बारे में, पिकनिक पॉइंट के बारे में? यार देखें, आपके सामने हम लाहौर से आए हैं, लाहौर में ऐसी चीज़ें कहाँ मिलने को देखने को मिलती है? समुद्र से कैलिफोर्निया ने इवेंट रखा है, बहुत अच्छा था, मज़ा आया, खाना खाना भी बहुत मज़े का था, सुबह का नाश्ता भी। गाय यही है वो खूनी दरिंदा, इसने इस भाई का यार सही बैठ रही हूं तेरे रोडों के ऊपर ही वो बैठे हैं। खूनी कैसा लग रहा है आपको इसको खून करके? जिंदगी में किसी का काम किया, सीधी बात की है जिंदगी में, सीधी बात बेड़ा है तो सीधी बात उससे करके करना क्या है। तो गाइस ये पीछे मेरे फैंस हैं, ये जी देखें, काम पे हो।